पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाइथन में आइडेंटिफायर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन मतलब, इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में? आइडेंटिफायर इज़ नथिंग बट नेम इन पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। आइडेंटिफायर कुछ नहीं, बस नेम होता है पाइथन प्रोग्राम में। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल यहीं पे मैं बता देता हूँ, हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं और हर एक मेंबर का कुछ ना कुछ नेम होता है। नेम हम क्यों रखते हैं? ताकि उस नेम से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे मेरा नेम है अखिलेश, तो अखिलेश क्या है? मुझे आइडेंटिफाई करने का एक नेम है, तो ये अखिलेश ही आइडेंटिफायर है। ठीक उसी तरह पाइथन प्रोग्राम में भी हम नेम देते हैं कुछ, तो वो नेम हम क्या देते हैं? वो हो सकता है क्लास का नेम, फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम, मॉड्यूल का नेम। तो ये जो नेम आप देख रहे हैं यही होता है आइडेंटिफायर। अगर मान लीजिए हम कोई क्लास बनाए हैं तो हम उसका एक नेम देते हैं ताकि उस नेम से हम उस क्लास को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर कोई फंक्शन बनाए हैं तो फंक्शन का भी हम नेम प्रोवाइड करते हैं ताकि उस नेम से फंक्शन को कॉल कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक उसी तरह वेरिएबल और मॉड्यूल भी होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम वेरिएबल का एग्जाम्पल लेके चले, अगर यहाँ पर वैल्यू 10 है तो इसको तो हम एक्सेस कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये वैल्यू 10 है, तो इसको हम एक नेम प्रोवाइड कर देंगे ए। तो ये जो ए है ना, ये वेरिएबल का नेम है, यही है आइडेंटिफायर। इस ए के थ्रू इस 10 को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान के चलिए कि हम एक मेथड ले लेते हैं m1, ठीक है, ये फंक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा होगा। तो अगर इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा तो इस m1 नेम से ही मैं इसे कॉल करूँगा। मैंने फंक्शन का ही नेम दे दिया m1, ठीक है, तो यही हो गया आइडेंटिफायर। अगर मान के चलो हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, ये क्लास बन गया, हालांकि पाइथन में कर्ली ब्रैकेट की बॉडी नहीं होती है, पर फिर भी समझ लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं हम। इस क्लास को अगर मुझे एक्सेस करना हुआ, कॉल करना हुआ, तो क्या मैं अभी कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन अगर इस क्लास को मैं एक नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ ए, तो अभी इस नेम ए के थ्रू इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है मैं सब एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये नेम ही हो गया ए आइडेंटिफायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी रूल्स होता है कुछ आइडेंटिफायर को बनाने का या फिर यूज़ करने का। सबसे पहला, अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं ए टू जेड, अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, ठीक है, अपर लोअर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक। डिजिट्स में आप 0 to 9 नंबर यूज़ कर सकते हैं अपने आइडेंटिफायर के लिए। एक स्पेशल सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते पाइथन प्रोग्राम में आइडेंटिफायर के लिए। अभी देखो यहाँ पे शुड नॉट बी स्टार्ट विथ डिजिट। आपका जो आइडेंटिफायर है ना, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान के चलो ये 9 हो गया, उसके बाद मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया ए, 9a = 10, तो ये जो नंबर डिजिट है ना 9, ये स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है। केस सेंसिटिव होता है पाइथन में आइडेंटिफायर। अगर मान के चलो हम फंक्शन का नाम m1 लिखे हैं तो इसको हम कैपिटल में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, केस सेंसिटिव इसी को बोलते हैं। जैसे आपने बनाया है वैसे ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। वी कैन नॉट यूज़ रिजर्व वर्ड। हम कीवर्ड को यानी रिजर्व वर्ड जो होते हैं पाइथन में, उनको आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वेरिएबल नेम के लिए, फंक्शन नेम के लिए, इस तरह से नहीं कर सकते। तो अभी चलो छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देख लेते हैं आइडेंटिफायर का, जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं जैसे 10, ठीक है, 10 एक वैल्यू है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक नेम प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेट नेम देंगे उस नेम के थ्रू, ताकि हम इसको एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक नेम लिया वैर, तो ये जो आप वैर देख पा रहे हैं ना, ये वेरिएबल का नेम है और इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। हम इस वैर को क्यों बनाएं? ताकि इस वैर नेम के थ्रू हम इस वैल्यू 10 को एक्सेस कर सकें। जैसे अगर मैं अभी प्रिंट में यहाँ पे वैर लिख दूँ, ठीक है, अपने वेरिएबल का नेम यानी आइडेंटिफायर का नेम, और प्रोग्राम को रन कर दूँ, तो उस नेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अभी मैंने बोला था आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ वैर और यहाँ पे 20 लिख दूँ, ठीक है, और अभी प्रिंट करते हैं वैर को ही, तो क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट 10 ही आएगा, ठीक है, जबकि दोनों वेरिएबल का नेम है वैर। लेकिन इसका देखो वी कैप्स है, इसका मतलब ये अलग हुआ। इसको अगर 20 को एक्सेस करना हुआ मुझे, तो मुझे ये वैर को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो अभी दोनों रिजल्ट प्रिंट हुआ, 10 और 20 दोनों। इसके अलावा आप ऐसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वायर ऐसे ही बना लो, 30 दे दो, ठीक है। अभी अगर प्रिंट करना चाहें 30 को भी तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो 10, 20, 30 ये सब प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब अगर मान लो केस सेंसिटिव का एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको जानना हुआ तो आप ऐसे भी जान सकते हो। देखो यहाँ पे वायर नॉर्मल वेरिएबल बना हुआ है, तो हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, इस तरीके से भी करना चाह रहे हैं, इस तरीके से भी है, तो वायर ही तीनों, तो क्या प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें एरर मिल चुका है। एरर क्या मिला है? एरर मिला है नेम एरर की, ये जो कैपिटल वायर है ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और इसके लिए भी एरर आया, दो एरर आया, ओके। तो ये केस सेंसिटिव वेरिएबल, मतलब आप जैसे बनाएंगे आपको वैसे ही एक्सेस करना पड़ेगा। अगर इन दो चीज़ को हम कमेंट कर दें और प्रोग्राम को रन करें तो अब कुछ एरर नहीं मिलेगा, अब रन हो जाएगा। देखो रन हो गया, ठीक है। अभी चलो एक सिंपल सा हम प्रोग्राम आपको और बना के दिखाते हैं जिसमें हम फंक्शन और क्लास यूज़ करेंगे, ओके। इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मान लो मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड, ओके। उसके बाद क्लास का एक नेम प्रोवाइड करते हैं हम ए। अब एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन बनाने के लिए डिफ कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम यहाँ पे m1 ही ले लेते हैं। और यहाँ पे एक पैरामीटर होता है पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ, ठीक है। अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, इसके अंदर हम प्रिंट में अगर लिखें अखिलेश, उसके बाद फिर प्रिंट में अगर हम लिखें अंकुश, फिर अगर प्रिंट में हम लिखें, मतलब फंक्शन के अंदर हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है अंकित, ये इतना कोड हमने लिख दिया। अब चलो चलते हैं, क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी हम एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी इन सभी कोड को, क्लास ए के अंदर मैंने कितना कोड लिखा है, मैंने इतना कोड लिखा है, तो इनको एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का नेम यूज़ करना पड़ेगा, ओके, तभी हम कर सकते हैं। तो क्लास का नेम है ए, ठीक है। और इसका एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नेम दे देते हैं आर, ठीक है। अभी क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन गया है आर। अब इस आर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड यानी फंक्शन m1 को हम कॉल कर सकते हैं। कॉल हमने किया, इतना अगर हम प्रोग्राम सेव करें और रन करें तो यहाँ पे देखो 10 आउटपुट आया है हमारा वेरिएबल आइडेंटिफायर का। उसके बाद अखिलेश, अंकु, संकित ये भी प्रिंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो क्लास का नेम हटा दूँ, तो अब बताओ क्लास के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, क्या कर पाऊँगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये जो नेम था क्लास का ना ए, यही है आइडेंटिफायर। और यहाँ पे एक फंक्शन है m1, अगर ये m1 मैं यहाँ से हटा दूँ, अब अगर इन सभी कोड को जो m1 फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है इन्हें एक्सेस में करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? नहीं। तो ये जो नेम है ना m1, यही है आइडेंटिफायर। इस नेम के थ्रू हम इतना लाइन ऑफ कोड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको m1 के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन क्लास ए के अंदर है, यानी क्लास ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको एक्सेस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यही होता है आइडेंटिफायर पाइथन में। हाँ, एक और हमने बताया था कि अगर हम वेरिएबल का नेम में डिजिट इधर यूज़ करें, वायर टू लगा दें, ठीक है, और इसको प्रिंट करें, तो अभी भी प्रोग्राम हमारा रन करेगा, ये ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट देखो आ गया 10। लेकिन अगर यही डिजिट हम आगे में लगा दें स्टार्टिंग में टू वायर, और यहाँ पे प्रिंट करें हम टू वायर इस तरीके से, तो ये हम नहीं कर सकते पाइथन में, इसके लिए हमें एरर बोलेगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, मतलब आपने गलत लिखा है, ऐसे आप नहीं कर सकते, रूल्स को वायलेट कर रहे हो आप, ठीक है। अब एक स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वायर a1 ऐसे अगर हम करें वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर के बाद, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आउटपुट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम को हम करते हैं रन, तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम रन हो गया, आउटपुट भी आ गया। तो ये सिंपल सा हमारा आइडेंटिफायर था। उम्मीद करते हैं हम आपको समझा चुके होंगे, समझ में आया भी होगा आपको कि हम आइडेंटिफायर क्यों यूज़ करते हैं।
आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इस 10 को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम दिया हमने, यही हो गया आइडेंटिफायर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।